प्रेमी सज्जनों, शहीद भगत सिंह का किस्सा आपकी सेवा में पेश है। जब भगत सिंह थोड़ी सी उम्र का बच्चा था तो खेत में अपने पिताजी के साथ काम करता हुआ कहता है कि पिताजी, मैं तो इस खेत में बंदूक बोऊंगा। बचपन से ही ऐसा क्रांतिकारी स्वभाव था वीर भगत सिंह का। भारत देश अंग्रेजों की गुलामी की चक्की में एक लंबे अरसे से पिस रहा था। चारों तरफ भोली भाली जनता पर अत्याचार व अन्यायों का जुल्म ढाया जा रहा था। आजादी प्राप्त करने के लिए देश के नौजवान, बुद्धिजीवी, धनी वर्ग सभी अपनी जान पर खेल रहे थे। और अब तो भगत सिंह भी आजादी की खातिर अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार था। भगत सिंह का जन्म सन 1907 में 27 सितंबर को लाहौर जिले के बंगा नामक ग्राम में हुआ था। उनके दादा का नाम चैन सिंह था, उनके पिता का नाम किशन सिंह था। भगत सिंह के इस प्रारंभिक जीवन का परिचय इस रागनी में सुनिए। एक बंगा गांव सुना होगा, चैन सिंह सरदार रहे थे। किस्सा आम सुना होगा, लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा, चैन सिंह सरदार रहे थे। किस्सा मरते मरते मरे गए, बाप मरा ते बेटा हो गया, बाप मरा ते बेटा हो गया, उनका नाम सुना होगा, चैन सिंह सरदार रहे थे। किस्सा आम सुना होगा, लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव। बाप जेल में जा रहा था, सिंगनी ने एक शेर जना वो, सिंगनी ने एक शेर जना वो, शेर का जाम सुना होगा, चैन सिंह सरदार रहे थे। किस्सा नाम सुना होगा, लाहौर जिले में छोटा सा एक पंगा का सुना होगा, चैन सिंह सरदार रहे थे। किस्सा नाम सुना होगा,
थप्पड़ मारा जोश गात में भरे जा। लिख पढ़ के बीए कर ली फिर घर ते बार निकल गया। पांच साथी टोली करके नाम देश में करेगा। असेंबली में गोला मारा, असेंबली में गोला मारा, न्यू सरे आम सुना होगा। चैन सिंह सरदार रहे थे, किसाया सुना होगा। लाहौर की में छोटा साइज बंगा गा हुकूमत सारी पकड़ा गया दैत है न मना जान लगी न प्यारी। प्रेम में भर के कथा बना दी सुनो सभी नर नारी। हंसते हंसते फांसी टूटा हुक्म हुआ सरकारी। सतगुरु लक्ष्मी चंद का चेला, सतगुरु लक्ष्मी चंद का चेला, वो मंगे राम सुना होगा। चैन सिंह सरदार रहे थे, उनका नाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा। चैन सिंह सरदार रहे थे, नाम सुना होगा। एक दिन भगत सिंह घर के कमरे में एकांत बैठा हुआ सोच रहा था कि इस बेईमान अंग्रेजी सरकार ने हिंदुस्तान की जनता को इतना अधिक सताया है कि चारों ओर हाहाकार मच रहा है। आखिर इन अंग्रेजों को किस प्रकार से देश से निकाला जा सकता है। किस प्रकार के सोच फिकर में भगत सिंह की आंखों में आंसू भर आए और उसी क्षण भगत सिंह की माँ कमरे में चली आई। भगत सिंह की आंखों में आंसू देखकर उसकी माँ क्या कहती है और भगत सिंह क्या जवाब देता है। गुलाम हटा गुलाम अपने ही
याद करूं मैं तेरी अखियां में पानी देखते नूर देख रूं मैं कावड़ का ना मेरी माता गेहूं चाहे मरूं बासी हो जा उससे हिम्मत मेरी री कुछ संग अविनाशी हो जा जैतने माता दूध लगा दिया जग में हासी हो जा दूध ल जाऊं कोना तेरा चाहे गल में फांसी हो जा फांसी हो लाग के झालती रूं मैं तेरी आँखों में पानी बैठे दूध दे करूं मैं काम कर का ना मेरी माता गेहूं चाहे मरूं मैं सुलझ गई ना ते फेर लड़ाई करेनी अच्छी लड़िए बेटा ना लोग हंसाई करनी गद्दारों की जरूर छुटा दूं कती अंगाई करेनी देश की खातर रे तेरी तेरे चरना सी धरूं मैं तेरिया ख्याल पानी बैठे नूतन देख रूं मैं काम डरन का ना मेरी माता गेहूं चाहे मरूं सुख निंद्रा सोया जा मेरी आत्मा सीढ़ी हो जब युराज कती खोया जा हो जागाया जाद देसियो अच्छा फल बोया जा जिसमा बेटे कारे कारे ते मैं लाल जरूं मैं दरिया क्या मैं पानी बैठे नूतन दे करूं मैं काम डर का ना मेरी माता इस प्रकार माँ के आशीर्वाद देने पर अब तो लड़के भगत सिंह में जोश भर गया उसका रोम रोम
अंग्रेजों के प्रति आक्रोश की ज्वाला में भड़कने लगा और संघर्ष में जूझने को तैयार हो जाता है। अपनी माँ से क्या कहता है, रोवण आला आपे जाने, रोवण आला आपे जाने। कि मैं काम बिगड़ता दिखे अंग्रेजों ते भगत सिंह का रासा छिड़ता दिखे, रासा छिड़ता दिखे। भगत सिंह की अंग्रेजों ने करड़ी भिड़की कोड़ी, काम हटन का नहीं मरद का चाहे बेशक चलो गोली। ओ दस पांचों की करके तोड़ी, दस पांचों की करके तोड़ी। सूरा जंग में लड़ता दिखे सिंह का। हाँ किशन सिंह का असल बीज सू दुनिया में नाम जना दूर, किस गल्ला हाथ मिलेगा शक्ति तीर तना दू। दिन थोड़ी मैं रात बना दू, दिन थोड़ी मैं रात बना दू। धरती अंबर भिड़ता दी खाट खुरैली ये सोवें से जापे। हम तड़े बैठ के भोजन करके ये खाते में जापे। ओ बेईमान अंग्रेज जापे, इन बेईमान अंग्रेज जापे। ओए गोला पड़ता दिखे आदि।
राम ये, हाँ मांगे राम ये, सारे जल जा जो भर के नजर लखा दू। कितनी बड़ी राजधानी से चाहे किसने कति झुका दू। एक मिनट में प्राण सुखा दू, एक मिनट में प्राण सुखा दू, जो सामी अड़ता दिखे भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने के लिए घर से चलने को तैयार हो जाता है। माता को शीश झुकाकर प्रणाम करता है, जाने की इजाजत मांगता हुआ क्या कहता है, जोड़े हाथ खड़ा सुन माता, जाने की ठीक वक्त से जावन का, इसी फेर समय ना आने की, जोड़े हाथ करा तू माता, दिया इजाजत जाने की, ठीक वक्त से जावन का, इसी फेर समय कर कहने पर चार देश में, कर कहने पर चार देश में, मैं मोटी रात छिड़ा दूंगा, सूत बैठ जाते अंग्रेजों ने, पोड़ की ढाल सड़ा दूंगा, लड़न की खतर पर जी भले और ढाल घड़ा दूंगा, देख लिए इन अंग्रेजों की मैं ईंट ते ईंट भिड़ा दूंगा, देख लिए ये अंग्रेजों की ईंट ते ईंट भिड़ा दूंगा, भाग्य नहीं ही जावेंगे ये हो, जब अंग मिल जा संग से की, हम देसी ऊत विदेशी, रंग मिलता न रंग से ती, हीने का भी हो राम रुखाड़ा, चाले लड़ने मलंग से ती, भले के गला करें भलाई, नंग हो जा से नंग से ती, भले की गला करें भलाई, जीना मुश्किल कर जुना छोटू, जीना मुश्किल कर जुना छोटू, आसन पीने खाने की, ठीक वक्त से जावन का इसे।
घना जचा डर राखा से रंजोर गम का हाथी के माँ जहर रचा भर राखा से बेईमान में जुलम करा किसा मचा गदर राखा से बंदर बना के बाजीगरा ने देश नचा धर राखा से बंदर बना के बाजीगरा ने देश नचा धर राखा से रे रे मची तर राखी से हो सुलाद दुखी हो जागी काम हुए डरियाड़े हम कर दिए कंगाल कति जे आप बने जरियाड़े घर के मानस बाहर कढ़ा दिए आप हुए घरियाड़े हाँ घर के मानस बाहर कढ़ा दिए आप हुए घरियाड़े मांगे राम ना सरदा छोटू मांगे राम ना सरदा छोटू किसे के तरफ लखाए की भगत सिंह घर से चल पड़ता है। उसकी माँ घर के दरवाजे तक उसके साथ साथ आती है और मकान की जोड़ी पर खड़े होकर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर विदाई देती हुई क्या कहती है। भगत सिंह आजादी की हाँ भरे ते स्त्रियां भरिए ना ते चुक्का होके घरा बैठ जा करे ते स्त्रियां करिए भगत सिंह आजादी की हाँ भरत स्त्रियां भरिए तुका हो के घर बैठ जा भरत स्त्रियां करिए हाँ सतयुग त्रेता द्वापर में भी देश ते देश भिड़निया था शेर सा दिल था भुजा में बल था एक ने एक घड़निया था नाम सुना हो ईसा बलिना जग में और लड़निया था जमदग्नि के परशुराम की कोई सहमी नहीं अड़निया था जमदग्नि के परशुराम की कोई सहमी नहीं अड़निया था वो 21 बार फिरा पृथ्वी पे 21 बार फिरा पृथ्वी पे फिरे ते स्त्रियां फिरिए
से चुटका हो के घर बैठ जा। करे ते स्त्रिया करिए भगत सिंह आजादी, करे ते स्त्रिया भरिए चुटका हो के घर बैठ जा। करे ते स्त्रिया करिए राजा और महाराजाओं ने भी राज पे करी लड़ाई थी। कौरव पांडव भिड़ा देवा यादव की चतुराई थी। थारा छुनी कट के मर गए नहीं निशानी पाई थी। कृष्ण ने महाभारत रच के देश की जान खपाई थी। हाँ अंग्रेजों के अंग्रेजों के नाश करण का दिन धरे ते स्त्रिया धरिए ना ते चुपका हो के घर बैठ जा। धरे ते स्त्रिया करिए भगत सिंह आजादी की, धरे ते स्त्रिया भरिए चुपका हो के घर बैठ जा। करे ते स्त्रिया करिए वंश में कृष्ण को हुए जाने जगत कहानी। कृष्ण को के हुए हरिचंद हुई कर्म की हानि। विष्णु ने एक ब्राह्मण भेजा सत अजमावन की ठानी। धर्म तजाना दाक बेच दिया गला लड़का रानी। हाँ सत्य कारण काशी तिरगी, सत्य कारण काशी तिरगी। तिरे ते स्त्रिया तिरिए ना ते चुपका हो के घर बैठ जा। सब व्यवहार खत्म कर ले, जितनी आवे चीज बिलाती सब व्यापार खत्म कर ले। जितने से अंग्रेज देश में सारे मार खत्म कर ले। बाकी नहीं एक रहने का सब गद्दार खत्म कर ले। बाकी नहीं एक रहने का चिड़िया पे बाज गिरे तू गिरे ते स्त्रिया गिरिए ना ते चुपका हो के घर बैठ जा। करे ते स्त्रिया करिए भगत सिंह आजादी की, करे ते स्त्रिया करिए चुपका हो के घर बैठ जा। करे ते स्त्रिया करिए। इस प्रकार भगत सिंह घर से निकल कर चल देता है, अपने साथियों से जाकर मिलता है, चंद्रशेखर वी के दत्त राजगुरु सुखदेव आदि से एक संगठन तैयार करने की योजना बनाता है और क्या कहता है।
ते मेरे मन में थी। कुछ माने दिया सहारा, उसी स्वर की मेहर फिरी, कुछ सत्संग मिल गया थारा। कुछ ते मेरे मन में थी, कुछ माने दिया सहारा, सभी जगह तकरार करेंगे। जब तक पार बसावे भाई, देश सुधार करेंगे, देश सुधार करेंगे। हाँ, शहर गांव और गली मोहल्लों में खुद प्रचार करेंगे, खुद प्रचार करेंगे। मानस ते प्यार करेंगे, जिस मानस ते प्यार करेंगे, वो है बन जा हमारा। उसी स्वर की मेहर भी कुछ सत्संग मिल गया तारा। कुछ ते मेरे मन में थी, कुछ माने दिया सहारा। बैठे रहे कामे, यूं है पुलिसिया हांडे जाते भाइयों मारी निगामे, भाइयों मारी निगामे। तुम किससे बात का भय ना करियो, रहेंगे एक सलामे, रहेंगे एक सलामे। हाथ दरिया के माँ दरिया के माँ नाव डोलती, कदलेगी पकड़ किनारा। उसी स्वर की मेहर भी कुछ सत्संग मिल गया तारा। कुछ ते मेरे मन में थी, कुछ माने दिया सहारा। उसी स्वर की मेहर भी कुछ सत्संग मिल गया तारा। देश दुखी उसका जन्म दुखी, दुखी रहे नर नारी, दुखी रहे नर नारी। हाँ, इस तैबती के दुख हो गया करते ताबेदारी। गैर आदमी राज करे से थी, अरे हकूमत भारी, अरे हकूमत भारी। हाँ, हिंदुस्तान दुखी हो रास है, बस सुख ते दुनिया सारी, सुख ते दुनिया सारी। तेरा ना इस दुख ते किस दिन, तेरा ना इस दुख ते किस दिन, मिल जागा छुटकारा। उसी स्वर की मेल फिरी कुछ सत्संग मिल गया तारा।
से हमने ली एक जगह पे टिके आंगड़ी हम देंगे टेक हथेड़ी हम देंगे टेक हथेड़ी ईश्वर राजी रहा ते राज की कर दे ढमा ढेरी कर दे ढमा ढेरी हाँ मांगे राम रे मारे बिन मांगे राम रे मारे बिन होगा नहीं गुजारा उसी स्वर की मेरे में मुझे सत्संग मिला सारा कुछ ते मेरे मन में भी कुछ माने दिया सारा उसी स्वर की मेरे भी मुझे सत्संग मिला सारा सत्संग मिला सारा। इस प्रकार से क्रांतिकारी देशभक्तों ने एक क्रांतिकारी संगठन तैयार कर लिया। राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर भगत सिंह आदि सभी साथियों ने असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई और योजना के अनुसार जहां अंग्रेज सरकार की बैठक हो रही थी उसी असेंबली में बम फेंक दिया। देश भर में सनसनी फैला देने वाली दिलों को दहला देने वाली इस घटना का वर्णन सुनिए। ना मन्ना धड़का राज भावन में पड़ के रे ना मन्ना धड़का राज भावन में पड़ के रे ना मन्ना धड़का राज भावन में पड़ के सी टाई लटकाई सर के ऊपर हेट बहरा बिचारे के मांग भाई को जमे रुमाल घले मुंह की करते रहे सफाई को जमे रुमाल घले मुंह की करते रहे सफाई करके सारे ठान लाट आवना पिछान में पांचवा का ध्यान हुआ गोले के बगान में पहरेदार चौकस खड़े सारे अपनी जान में पहरेदार चौकस खड़े सारे अपनी जान में हाँ किसे ने भी ना टोके चढ़के साफ निकल गए रे ना मन्ना धड़का राज भवन में पड़ गए रे ना मन्ना धड़का राज भवन में पड़ गए जाकर देखा काम नहीं घाट था सारे के आराम कुर्सी अंग्रेजा का ठाट था बड़े बड़े अफसर बैठे माहे मुल्की लाट था बड़े बड़े अफसर बैठे माहे मुल्की लाट था चुपचाप बैठ गए एक जगह छीड़ पाई एक और ने निगाह करी बड़ी भारी भीड़ पाई भीड़ के माँ गोला मारा उठा था जमीर भाई भीड़ के माँ गोला मारा उठा था जमीर भाई हाहाकार होल में मची हाहाकार होल में मची सबके होश बिगड़ गए ना मन्ना धड़का राज भवन में बढ़ गए ना मन्ना धड़का राज भवन में बढ़ गए Thank you.
छक्के छूट गए, भजन लागे बिस्ता के सिर लाग लाग फूट गए, जितने बार संतरी भाई सबके गोडे टूट गए, जितने बार संतरी भाई सबके गोडे टूट गए, सिक्की ऊपर सिक्की बाजे पुलिस करी मारो मार, पकड़ो पकड़ो रोन लागी चोगर देने खुड़के तार, थाने में ते गारद भागी भर के मोटर गाजी कार, थाने में ते गारद भागी भर के मोटर गाजी कार, सब इंतजाम पुलिस का होगा, सब इंतजाम पुलिस का होगा, कि कच्चो गर्दा मर के रहना मान्या धड़का राजे भवने में, मर के रहना मान्या धड़का राजे भवने में, मर के उनके ये विचार हुए, सने सने ऊंच के फिर चलन खातर तैयार हुए, घेरे के माँ आगे पांचों दरवाजे ते बार हुए, घेरे के माँ आगे पांचों दरवाजे ते बार हुए, आग से बचाते चले पांच भाई चुप चाप, आत्मा से किया हुआ चेहरे ऊपर आजा आप, थोड़ी सी वे दूर गए पुलिस ने वे लिए भाप, थोड़ी सी वे दूर गए पुलिस ने वे लिए भाप, हेरा फेरी फेरी करण मिले ना आमा सा, भिड़ के रहना मन्ना धड़का राजे भवने में, भिड़ के रहना मन्ना धड़का राजे भवने में, पड़ेगे असेंबली में बम फेंकते ही चारों तरफ वायरलेस टेलीफोन खुड़का दिए गए, पुलिस ने घेरा डाल दिया, इधर भगत सिंह व उसके साथियों ने भागना तक भी उचित नहीं समझा, क्योंकि वे तो मातृभूमि के ऊपर स्वयं की आहुति देना चाहते थे, मरने से डरना नहीं चाहते थे, अतः अंग्रेज पुलिस ने उन्हें धर दबोचा, फिर भी दिल जले आजादी के परवाने अंग्रेज अफसरों और अंग्रेज पुलिस के सामने बेधड़क बोलते गए और क्या कहते हैं, यो देश हमारा अंग्रेजों ने खोया, चढ़ाई करी बहुत मारे इंसान, चाल नहीं हो समझा को ना सादा भोला हिंदुस्तान, चाल नहीं हो समझा को ना सादा भोला हिंदुस्तान, दिल्ली ऊपर कब्जा करा हिंद की जो राजधानी, जीत गए अंग्रेज और मर गए हिंदुस्तानी, कत्ती खाल करा को ना अंग्रेजों की बेईमानी, कत्ती खाल करा को ना अंग्रेजों की बेईमानी, हाँ करते करते राज हिंद में बीज पाप का करे दूर हिर के मालिक आप हो गए हिंदुस्तानी, करे बेमानी और रिश्वत खोरी सारा काम सिखलाया, अंग्रेजी बात
कटाई करी धरती पे लगान लाया ताल लूक नहीं रहे हमारा देश को कंगाल बनाया ताल लूक नहीं रहे हमारा देश को कंगाल बनाया हाँ सोना चांदी माल किले का सोना चांदी माल किले का सब बाहर देश तरकीब कैसे हिंद को आजाद करूं सोचूंगा तरकीब कैसे हिंद को आजाद करूं सुनता हूं भगवान दिए शक्ति ज्ञान वीरों को हिंद को कुर्बानी चाहिए बलिदान वीरों को हौसला अफजाई चाहिए बुद्धिमान वीरों को हौसला अफजाई चाहिए बुद्धिमान वीरों को सांझ तले के सांझ तले के तड़के तकना नींद चैन की सोया भगत सिंह के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है।